नमस्कार बच्चों, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेक्चर नंबर 3। जो बच्चों लेक्चर नंबर 2 था हमारा, उसमें हमने अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्टनरशिप फर्म की थ्योरी को डिस्कस करा था। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लिखिए कॉन्सेप्ट का नाम, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसको देखना है आज हमने। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे के साथ डिस्कस करना चाहता हूं क्लास 11th की कुछ बातें। जब आप क्लास 11th में थे बच्चों, तब आप एक छोटे से बिजनेस की अकाउंटिंग किया करते थे। एक छोटा सा बिजनेस होता था और उसका एक मालिक होता था। जब एक आदमी बिजनेस को करता है, बिजनेस का एक ही मालिक होता है, तो इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। और इन भाई साहब को हम बोलते थे प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक। अब मालिक भाई साहब जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, उसको हम क्या नाम देते थे? मालिक की जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ना बेटा, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। जो पूंजी मालिक इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के अंदर ना हर चीज का हिसाब किताब रखा जाता है। तो मालिक की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बिजनेस के अंदर, उसका भी प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाता है। तो मालिक के पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है, वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। मालिक बिजनेस के अंदर जो भी पैसे लगाता है, इस कैपिटल अकाउंट में लिख लिए जाते हैं। मालिक अगर बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो भी लिख ली जाती है। मालिक अगर बिजनेस से पैसे निकालता है, तो वो भी यहां पर लिख लिए जाते हैं कि कितने पैसे उसने निकाले हैं। बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है, उसके ऊपर मालिक का राइट होता है, तो उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को भी उसके अकाउंट में प्लस किया जाता है। तो हमें सिंपल सी बात समझ में आई कि मालिक के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। अब बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते थे, याद कीजिए। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी, सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग का काम होता था। सबसे पहले उनको रिकॉर्ड किया जाता था। अगर छोटा बिजनेस होता था, तो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन काफी कम होती है, तो वहां पर आप एंट्रीज डाल देते थे। अगर बिजनेस बड़ा होता था, तो ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा होती हैं, तो वहां पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते थे। कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर इसके बाद क्या करते थे, सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते थे, जिसको बोलते थे क्लासिफिकेशन, मतलब लेजर बनाते थे आप। फिर लेजर की मदद से बनता था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से जब 31 मार्च आती थी, मतलब जब क्लोजिंग होती थी, तो आप बनाते थे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमें यह बताता था कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या बिजनेस में लॉस चल रहा है। मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते थे बिजनेस के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। फिर उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती थी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन, कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। तो 31 मार्च को, जब 31 मार्च आती थी, तो इस डेट को हम क्लोजिंग डेट बोलते थे। मतलब सारे के सारे खाते बंद करते थे और फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते थे। सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे, तो डेबिट साइड पर लिखते थे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरू में जो भी स्टॉक पड़ा है बिजनेस के पास, वो यहां पर लिख लिया जाता था। फिर लिखते थे नेट परचेस, बिजनेस ने जो भी सामान खरीदा है वो लिख लेते थे। फिर लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता था बेटा? जो एक्सपेंस हमारी मदद करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स में, उनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लीजिए मेरा फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो सबसे पहले मैं वुड खरीद के लेके आता हूं, फिर वुड को कन्वर्ट करता हूं फर्नीचर में। तो वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए जिन एक्सपेंसेस की हमें जरूरत पड़ती है, उनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते थे, वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाते थे। फिर हमने जो भी गुड्स बेचे हैं या जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनको बेचकर हमारे पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, जिसका नाम होता था
बाय नेट सेल्स, मतलब हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट इनकम जो बिजनेस के मेन कोर एरिया से कमाई जा रही है। लेकिन एक चीज और भी आती थी यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, हमें याद आ रहा है, कुछ कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते थे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स आपके इस साल नहीं बिक पाए, साल के एंड में आपके पास बचे हुए हैं, उनको बोला जाता था अनसोल्ड गुड्स। अब ये सामान आपका बिका ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे इस साल? नहीं जी, इसके ऊपर तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये सामान जिस साल बिकेगा उसी साल तो इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो बच्चों यहां पर तो आपने सारा खर्चा दिखा रखा है ना, इसमें से कुछ सामान तो बिका ही नहीं, तो वो खर्चा यहां पर क्यों लिखा हुआ है? वो खर्चा उस साल का बनेगा जिस साल वो सामान बिकेगा। तो इस खर्चे को कम करने के लिए जितने का सामान इसमें क्लोजिंग स्टॉक का है, जितने का खर्चा इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के रूप में छुपा हुआ है, उसको आपने यहां से नलीफाई करना है, उस खर्चे को हटाना है यहां से। तो आप दूसरी साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे ताकि यहां पर एक्सपेंस कम हो जाए, क्योंकि जो सामान इस साल नहीं बिका वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो उस साल का खर्चा बनेगा जिस साल वो सामान बिकेगा। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट को कंपेयर करते थे, मतलब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से कंपेयर करते थे, तो आपको पता लगता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहे, अच्छा बिजनेस करा जा रहे। फिर हम क्या करते थे, इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी मदद करता था बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स या फिर नेट लॉसेस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला काम होता था इस अकाउंट को बनाने के लिए, जो भी बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है उसको सबसे पहले आप ट्रांसफर करते थे इस वाले अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद ना हम इनकम्स को लिखना स्टार्ट करते थे। कौन से इनकम को सर? इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो बिजनेस के मेन कोर एरिया से नहीं कमाई जा रही, जो किसी और जरिए से कमाई जा रही है। जैसे मान लो मेरा काम है, प्रोफेशन, मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, तो जो बच्चों से फीस आती है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन क्या मैं और भी जगह से इनकम कमाता हूं? यस, मैं और भी जगह से इनकम कमाता हूं। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, वहां से जो मुझे डिविडेंड मिलता है वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है, जो वहां से रेंट रिसीव होता है वो भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। मैंने बैंक में एफडी करवा रखी है, उस एफडी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी तो मेरी इनकम है ना, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है। तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम को आप यहां पर लिखते रहते थे। फिर डेबिट साइड में आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जो ऑफिस से रिलेटेड है, जैसे इंप्लॉइज की सैलरी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के अदर एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, सारे के सारे खर्चे यहां पर आ जाते थे। और बेटा याद रखना, जो भी हमारे खर्चे होते हैं ना वो हमें पे करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो जो खर्चे होते हैं वो कंपल्सरी पेबल होते हैं, मतलब आपको पे करने ही करने पड़ते हैं, चाहे बिजनेस मुनाफे में है चाहे बिजनेस लॉस में है। हम इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, खर्चे को चार्ज। तो बेटा अगर मैं चार्ज वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाना मैं खर्चे की बात कर रहा हूं, जो कि आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है चाहे नुकसान में चल रहा है। जैसे सिंपल सी बात, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, मेरा बिजनेस मान लीजिए लॉस में चल रहा है, मैंने बैंक से ना लोन ले रखा है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है, क्या वो मैं इंटरेस्ट को पे करने से मना कर सकता हूं बैंक को? नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे जो इंप्लॉइज हैं, क्या मैं उनको सैलरी देने से मना कर सकता हूं? मेरा तो बिजनेस लॉस में चल रहा है जी, इस बार आपको सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या मैं लैंडलॉर्ड को रेंट देने से मना कर सकता हूं? मेरा बिजनेस लॉस में है जी, इस बार आपको रेंट नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे हैं। तो समझ जाइए, जो बिजनेस के खर्चे होते हैं वो कंपल्सरी पेबल होते हैं, मतलब आपको पे करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस मुनाफे में है चाहे नुकसान में है। और खर्चे का दूसरा नाम होता है बेटा चार्ज। और चार्ज कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चों को लिखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो इनकम होती है और एक्सपेंस होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तब हमें पता लगता है कि बिजनेस घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है। अभी के लिए मान लेते हैं बिजनेस फायदे में जा रहा है। तो यहां पर निकला नेट प्रॉफिट। अब यह नेट प्रॉफिट किसका? बिजनेस ने जो मुनाफा कमाया, इसके ऊपर राइट किसका?
यहां पर देखिए ना, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर रहे थे तो बिजनेस का एक मालिक है जिसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है और बिजनेस ने उस पैसे से प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट जनरेट किया, इस प्रॉफिट के ऊपर किसका राइट है? इस भाई साहब का, प्रोप्राइटर का, जो बिजनेस का मालिक था। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इस नेट प्रॉफिट के ऊपर एक ही भाई साहब का राइट होता था जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता था, और हम ये प्रॉफिट इसको पकड़ाते थे लेकिन कैश में नहीं। पता कैसे पकड़ाते थे, मैं बताता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाते थे बच्चों क्या? बैलेंस शीट। यस सर, बैलेंस शीट बनती थी एज एट 31 मार्च। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड एसेट साइड। यहां पर बिजनेस की सारी संपत्तियों को लिखा जाता था जो भी बिजनेस के पास पड़े। यहां पर लाइबिलिटीज लिखी जाती थी। लाइबिलिटीज दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी। तो पहले आप इंटरनल लाइबिलिटी को लिख लेते थे, फिर उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी को लिख लेते थे। आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे बच्चों बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे लिखते थे ना आप, सब कुछ याद आ रहा है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब बच्चों कैपिटल, कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है। सर क्या बोल रहे हैं आप, कैपिटल लाइबिलिटी कैसे? बच्चों जो बिजनेस है और उसका जो मालिक है, इन दोनों को आप एक दूसरे से क्या मानते हैं? याद है आपको, इन दोनों को एक दूसरे से क्या मानते हैं बच्चों? हम इनको एक दूसरे से सेपरेट मानते हैं। क्यों मानते हैं इनको एक दूसरे से सेपरेट? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो कहता है कि बिजनेस एक अलग चीज है और उसका मालिक एक अलग चीज है, दोनों को सेपरेट मानना है हमने अकाउंटिंग करते समय। तो मालिक का पैसा जो बिजनेस के पास पड़ा है कैपिटल के रूप में, बिजनेस के व्यू पॉइंट से वो लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को वो पैसा वापिस करना पड़ेगा मालिक को, तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी है, घर के अंदर की बात है। लेकिन अगर किसी बाहर वाले आदमी का कोई पैसा पे करना है जो देनदारी है, उसको बोलेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी। तो कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी होता है बच्चों? इंटरनल लाइबिलिटी। तो हम यहां पर कैपिटल लिखते थे। सबसे पहले कैपिटल पता कौन सी लिखते थे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल का मतलब बच्चों जो 1 अप्रैल को मालिक की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थी, सबसे पहले वो लिखते थे। लेकिन हमें उसकी कैपिटल पता करनी है 31 मार्च की, क्लोजिंग डेट की, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च की। तो हमें आज की डेट में पता होना चाहिए ना उसकी, आज की डेट में संपत्ति कितनी है बिजनेस के अंदर, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो बेटा अगर उस आदमी ने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में बिजनेस के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसको हम यहां पर ऐड करते थे, जिसको बोलते थे एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर मालिक ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो उसके अकाउंट में से माइनस करते थे, उसकी कैपिटल अब कम होगी ना। बिजनेस से अगर पैसे निकाल रहा है तो कैपिटल कम ही तो होगी। तो अगर तो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो हम उसको नाम देते थे ड्रॉइंग्स का, तो हम यहां से माइनस करते थे। इसके बाद क्या होता था? अब मैंने बताया ना, बिजनेस ने बच्चों जो भी प्रॉफिट कमाया है इसके ऊपर प्रोप्राइटर भाई साहब का राइट है, ये प्रॉफिट किसका है? मालिक का। लेकिन ये पैसा उसको कैश में नहीं दिया जाता, उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल। तो बिजनेस जब मुनाफा कमाता है तो मालिक की कैपिटल इंक्रीज होती है, जब बिजनेस नुकसान में जाता है तो मालिक की कैपिटल बिजनेस के अंदर गिरती है। तो नेट प्रॉफिट को हम यहां पर क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को हम यहां पर ऐड कर देते थे। लेकिन अगर बिजनेस मान लो नुकसान में जाता था तो नेट लॉस यहां से माइनस भी होता था। फिर हमें प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट पता लगता था उसको बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या? जो 31 मार्च को बिजनेस के अंदर मालिक की इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग होती थी बच्चों क्लास 11th में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर एंड में क्या बनता था? बैलेंस शीट। अब आते हैं बच्चों क्लास 12th के ऊपर। क्लास 12th में अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो किया है पार्टनरशिप, है ना। यहां पर क्या है, धंधा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब बिजनेस का एक मालिक नहीं है, बिजनेस में दो या दो से ज्यादा मालिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, टू और मोर, तो इस टाइप के बिजनेस को हम नाम देते हैं बच्चों किस चीज का? पार्टनरशिप।
और इनको क्या नाम देते हैं, अगर हम इनको इंडिविजुअल कोई नाम देना चाहें इनको बोलते हैं बच्चों पार्टनर, अगर कलेक्टिवली इनको कोई नाम देना चाहे तो हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है इतनी बात? ये भी तो लोग बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी तो क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो बिजनेस इन पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए बच्चों पता है कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा इस बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर इनका सब कुछ हिसाब किताब रखा जाएगा इस अकाउंट से कि कितना पैसा और डाल रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं। बिजनेस इनको जो पैसे दे रहा है वो इनके अकाउंट में डाल देते हैं, बिजनेस ने अगर इनसे कोई पैसा लेना है तो इनके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। इन दोनों को भी एक दूसरे से क्या माना जाता है, सेपरेट। पार्टनर्स एक अलग चीज, बिजनेस एक अलग चीज, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट मानना है। अब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, क्या कुछ अलग तरीका है क्या इसकी अकाउंटिंग करने का? नहीं बच्चों, कोई अलग तरीका नहीं है इसकी अकाउंटिंग करने का। यहां पर भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड ही किया जाता है, फिर लेजर बनाए जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से यहां पर भी फाइनल अकाउंट बनते हैं, जैसे प्लस वन में आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते समय बनाते थे। तो यहां पर भी 31 मार्च को ही क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होती है, और जब क्लोजिंग होती है तो क्या बनता है बच्चों, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अब जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया जाता है, फिर नेट परचेज को लिख दिया जाता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख दिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, किस चीज में, फिनिश गुड्स में। क्रेडिट साइड में जो बिजनेस की मेन इनकम होती है, जो कोर एरिया से जनरेट होती है, उसको लिखा जाता है, जिसको हम नाम देते हैं नेट सेल्स। फिर हम यहां पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स है उसका अमाउंट लिख देते हैं। फिर दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है या ग्रॉस लॉस का। तो अभी मैं मान लेता हूं बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट में, मुनाफे में चल रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद हम बिजनेस के ओवरऑल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बिजनेस ने नेट क्या कमाया या नेट क्या गवाया, मतलब नेट लॉस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बच्चों, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करने का काम होता है, सबसे पहले इसको ट्रांसफर किया जाता है, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाती हैं, कौन सी इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स। डेबिट साइड में लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब दूसरा नाम क्या है एक्सपेंस का, मतलब एक्सपेंस का बच्चों दूसरा नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चार्ज। चार्ज का मतलब सर दोबारा से बता दो, कंपल्सरी पेबल। कंपल्सरी पेबल मतलब जो पे करना ही करना है, चाहे बिजनेस मुनाफे में है चाहे बिजनेस नुकसान में है, तो जो अमाउंट आपको पे करना ही करना है वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है, और खर्चे का दूसरा नाम होता है चार्ज। और खर्चे कहां पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चे आते हैं। फिर आप दोनों साइड को करते हो कंपेयर, तो आपको पता लगता है कि बिजनेस ने क्या कमाया या फिर क्या गवाया। अभी मैं मान लेता हूं बिजनेस ने कमाया ही है जी, तो यहां पर आपको पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन अब समस्या यह है, ये नेट प्रॉफिट के ऊपर किसी एक आदमी का राइट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो मिनिमम दो हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। और पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपसे क्या था डिस्कस की थी, उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशल कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो हर पार्टनर में क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, मतलब हर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये नेट प्रॉफिट को हम सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं बच्चों। अब इस प्रॉफिट के ऊपर एक आदमी का राइट नहीं है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे के सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो यहां पर लिख लीजिए, प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है जी, सर यहां तक तो बात समझ में आई कि प्रॉफिट का सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है।
अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? बेटा इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लास ट्वेल्थ में आप एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहुंच गए ना मेन मुद्दे पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको सबसे पहले आप ट्रांसफर करते हैं कौन से अकाउंट में? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर इसको ट्रांसफर कर लिया जाता है नेट प्रॉफिट को। अब बच्चों ये नेट प्रॉफिट खुद देखो कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, कौन से अकाउंट से उठ के जा रहा है ये नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर बच्चों जो आपने वर्डिंग लिखनी है वो याद रखना, क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का मुनाफा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल लिया। क्यों डाल लिया? क्योंकि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे के सारे पार्टनर्स में। फिर हम इसके बाद बच्चों पता है क्या काम करते हैं, ये जो प्रॉफिट होता है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो ये सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है इतनी बात? अब एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हो सकती हैं कि किस तरीके से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अगले लेक्चर की बात है, इस लेक्चर की बात नहीं है। इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट। तो बेटा यहां पर लिख लो आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट। मैंने क्या लाइन यूज की है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाले अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने लॉस वर्ड यूज नहीं किया। तो बच्चों अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे आप। बच्चों अगर लॉस में चल रहा है बिजनेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली कब बनेगा, जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। क्योंकि प्रॉफिट को तो आप तभी बांट सकते हैं ना अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। अगर प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बांटने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। तो बच्चों यहां पर जब आप प्रॉफिट को बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो यहां पर डेबिट साइड में जो भी चीजें लिखी जाती हैं, अभी हमें नहीं पता क्या क्या चीजें लिखनी है, अगले लेक्चर में पहुंचेंगे तो सब कुछ लगेगा पता। तो बच्चों यहां पर जो भी चीजें लिखते हैं हम डेबिट साइड में वो आती है जी अप्रोप्रिएशन, उनको अप्रोप्रिएशन बोलने। और अप्रोप्रिएशन कब कर पाएंगे आप, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। भाई जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी तो अप्रोप्रिएशन कर पाएंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप तभी बनाएंगे जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, लॉस की सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आई इतनी बात समझ में? जितनी बात समझ में आई उसको समझने का प्रयास करिए। जब हम अगले लेक्चर के ऊपर जाएंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तब तक का। मैंने आपको यह नहीं बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या आता है, मैंने बोला अभी डिस्कस करना है इन चीजों को। मैं सिर्फ आपको यह चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका मतलब क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है बेटा पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने वाले अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने यहां पर लॉस वर्ड यूज नहीं किया, तो लॉस की सिचुएशन में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। क्लियर है इतनी बात यहां तक? और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या आएगा, क्या खर्चे आएंगे ना, खर्चे आएंगे क्या, खर्चे कहां पर जाते हैं, खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में,
और खर्चे का दूसरा नाम क्या है, चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगी। अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस क्या होती है वो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया कि किस किस तरीके की अप्रोप्रिएशन हो सकती है, लेकिन मैंने आपको यह बताया कि अप्रोप्रिएशन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट होगी। तो यहां पर जो चीजें लिखी जाती है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, ये कंपल्सरी पेबल नहीं होती, ये ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट होती है। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट होगा तब अप्रोप्रिएशन होगी, लेकिन जो खर्चे होते हैं, जो चार्ज होते हैं, चाहे बिजनेस के अंदर मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। और खर्चे या फिर उसका दूसरा नाम है चार्ज कहां पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अप्रोप्रिएशन कहां पर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अब ध्यान से सुनना एक बात को और बेटा, इसके बाद क्या बैलेंस शीट बनाई जाती है? यस, बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब एक चीज को और भी सुनने का प्रयास करना, बैलेंस शीट भी बिल्कुल सेम बनेगी जैसे आप क्लास ट्वेल्थ में बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड एसेट साइड। यहां पर कैपिटल के अमाउंट लिखे जाते हैं, यहां पर आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं। बेटा अब ध्यान से सुनो, जब आप क्लास इलेवेंथ में बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे, बिजनेस का एक ही मालिक होता था और एक बंदे का हिसाब किताब आप बैलेंस शीट के अंदर ही कर लेते थे। देख रहे हैं आप बैलेंस शीट के अंदर ही प्लस माइनस कर लेते थे चीजों को। ये देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, यहीं पर सब कुछ कर लिया करते थे क्योंकि एक ही आदमी होता था, एक आदमी की कैलकुलेशन बड़ी कम सी होती थी, पांच छह चीजों को प्लस माइनस करना होता था मैक्सिमम। लेकिन जब आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बेटा एक पार्टनरशिप फर्म में 50 हो सकते हैं। अगर 50 आदमियों का हिसाब किताब आप इस तरीके से बैलेंस शीट में करेंगे तो बैलेंस शीट बहुत भद्दी सी बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? संतुष्ट है आप इस बात से? यस, 50 आदमियों का हिसाब किताब एक बैलेंस शीट के अंदर कर रहे हैं, बैलेंस शीट बिल्कुल भद्दी बनेगी। तो हम ये वाला जो हिसाब किताब है ना बच्चों, ये वाला हिसाब किताब बैलेंस शीट में नहीं करते क्लास ट्वेल्थ में। इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो हमारा जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बार बार हर क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्लास इलेवंथ में ये बनाना हमने सीखा ही नहीं था। क्लास इलेवंथ में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो अब एग्जामिनर कहता है आपने क्लास इलेवंथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीख लिया, बैलेंस शीट भी सीख ली, अब दोबारा बना के क्यों करोगे, क्या करोगे उसका? अब आप एक काम करो ना, हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की। तो बच्चों इस चैप्टर में एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी, बस इतना सा बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट बनता है, और इस अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट, और इसकी डेबिट साइड में खर्चे नहीं आते, अप्रोप्रिएशन होती है, अप्रोप्रिएशन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट होती है। और एक चीज और बताई कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का हिसाब किताब नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से बनेगा? बड़ा सिंपल है बच्चों, डेट एक साइड डेबिट साइड, दूसरी साइड क्रेडिट साइड, डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर बच्चों अगर क्वेश्चन में हमें बता रखा है तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम और बन जाएंगे। मान लो पार्टनर्स के नाम है ए बी सी, अगर चार हैं तो चार कॉलम बनेंगे ए बी सी डी, अगर पांच हैं तो ए बी सी डी ई, लेकिन इतने पार्टनर्स क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, दो तीन मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं, या मैक्सिमम चार, पांच वाला नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन। इसी तरीके से क्रेडिट साइड भी रिपीट हो जाती है, डेट पर्टिकुलर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सेपरेट कॉलम बनेंगे अमाउंट के, ए बी सी, अगर उनका नाम है अनुभा काजल या फिर कुछ और गौरी तो वो बन जाएंगे अनुभा काजल गौरी के नाम से, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से कैपिटल अकाउंट का आपका फॉर्मेट रहने वाला है, बड़ा ही सिंपल है, कोई नई बात थोड़ी ना। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड,
राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। बेटा जो 1 अप्रैल को कैपिटल होती है मालिकों की बिजनेस में पार्टनर्स की, उसको बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इधर वाली साइड उनकी कैपिटल लिख देते हैं, पता है कैसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी कैपिटल है वो यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? ये कौन सी डेट की कैपिटल है? 1 अप्रैल। बच्चों एक चीज को ध्यान से सुनना, इस बात को मैं और भी डेप्थ में आपको समझाऊंगा। अगर तो बिजनेस पुराना है, मान लो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर बिजनेस पुराना है मतलब जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लो आप 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस क्वेश्चन में, और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लगता है कि ये बिजनेस पहले से चलता चलाया बिजनेस था, मतलब ओल्ड बिजनेस था, तो कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहां पर लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको ऐसा लगता है कि जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी साल के अंदर ये फ्रेश बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसी साल के अंदर ये न्यू बिजनेस बना था, तो बच्चों यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। उनकी कैपिटल के बैलेंस पिछले साल से ब्रॉट डाउन नहीं किए गए, इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो इसी साल बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी मालिकों की, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह लिखेंगे भाई साहब आप क्या, बाय बैंक। बाय बैंक कब लिखेंगे? अगर बिजनेस कौन सा है? न्यू। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लिखेंगे? अगर बिजनेस पुराना है। आगे इतनी बात समझ। सर बाय बैंक क्यों, बता दो थोड़ा सा रीजन। बच्चों पूरी डिटेल में तो बताऊंगा, अभी के लिए सुन लो। इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो जब पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, तो जब उन्होंने कैपिटल लगाई तो अकाउंटेंट ने एक एंट्री डाली, पता है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को डेबिट किया होगा उसने, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, मॉडर्न अप्रोच का रूल ऐसा बोल रहा है। ये बच्चों मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये सारे के सारे रूल समझाए थे, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। एक तो बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट खुल गए बिजनेस के अंदर, एंड कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मुझे यह बताओ, जब इस एंट्री की कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल को आपने इस एंट्री में क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, तो बच्चों क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है बच्चों, बैंक, तो यहां पर आएगा बाय बैंक। आ गया समझ, क्लियर है बात इतनी? यस सर। अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालेंगे, अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उनके अकाउंट में प्लस करोगे पैसा, या उनके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करोगे, डिडक्ट करेंगे ना, तो बेटा जब उनके अकाउंट में से आप पैसा डिडक्ट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में कम होती है। और बच्चों कैपिटल का रूल याद है, कैपिटल बढ़ती है तो बच्चों क्रेडिट करना होता है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है। एक मिनट रुकिए, हां जी बच्चों मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था, मेरा नहीं ये वाला, ठीक है जी, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कहां पर बात रुकी थी। बच्चों मैंने आपको ये बता रहा था कि अगर पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उनकी कैपिटल को लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस पिछले साल से ब्रॉट डाउन हुआ है। अगर न्यू बिजनेस है तो आपको बाय बैंक लिखना है, और क्यों लिखना है, क्योंकि इस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो अकाउंटेंट ने एंट्री डाली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग की जाएगी तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहां पर, बैंक, तो आप यहां पर लिखेंगे क्या, बाय बैंक। अगर मान लो पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उनके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करोगे ना आप, यस डिडक्ट करेंगे, तो उनकी कैपिटल कम होगी। और मैंने आपको कैपिटल का रूल बच्चों क्या बताया था, मैंने आपको रूल बताया था कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, एंड कैपिटल डिक्रीज होती है तो बच्चों पता क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो जब वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो आप यहां पर लिख देना टू ड्रॉइंग्स, उनके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लेना, ठीक है, जिस डेट को भी निकाला है उन्होंने। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि एक आप अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट। तो जो भी आप पार्टनर्स को प्रॉफिट पकड़ा रहे हैं, मतलब जो भी उनको एप्रोप्रिएट कर रहे हैं पैसा, वो भी तो उनके अकाउंट में डालोगे ना, बताओ उनके अकाउंट में पैसा डालोगे या उनके अकाउंट में से डिडक्ट करोगे, जो हम उनको पकड़ा रहे हैं पैसा उनके अकाउंट में डालेंगे। उनके अकाउंट में डालोगे तो बच्चों कैपिटल का अमाउंट यहां पर आप देखिए बढ़ेगा,
कैपिटल बढ़ती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होंगी बच्चों वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेंगी। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि एप्रोप्रिएशन किस किस तरीके की हो सकती है, ये अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो याद रखना जितनी भी एप्रोप्रिएशन होंगी यहां पर लिखे जाएंगे और जितना भी पैसा उनके अकाउंट में से डिडक्ट करना है डेबिट साइड में लिखते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर उनके अकाउंट में पैसा डालना है तो क्रेडिट साइड में लिखो, अगर उनके अकाउंट में से पैसा काटना है तो डेबिट साइड में लिखो। क्लियर है बात बच्चों? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूं। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं एक्सपेंस, जो पे करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस मुनाफे में चल रहा है चाहे लॉस में चल रहा है। दूसरा नाम क्या होता है एक्सपेंस का? चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट, और ये अकाउंट आप तभी बनाएंगे जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा, लॉस की सिचुएशन में ये वाला अकाउंट नहीं बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या आता है? अप्रोप्रिएशन आती है। एंड सेकंड, मैंने आपको बोला था जो कैपिटल का हिसाब किताब होता है, जो मालिकों के पैसे का हिसाब किताब होता है, क्लास 11th में तो वो आप बैलेंस शीट के अंदर ही कर लेते थे प्लस माइनस, लेकिन क्लास 12th में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, तो 50 आदमियों का हिसाब किताब बैलेंस शीट के अंदर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हिसाब किताब आप यहां पर ना करके कहां पर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है बच्चों, लिख लो यहां पर, पार्टनर्स के पैसे का हिसाब रखने वाला अकाउंट। दो साइड होती हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जब पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डालेंगे तो क्रेडिट करेंगे, जब उनके अकाउंट में से पैसा काटेंगे तो डेबिट करेंगे। फिर इसके बाद दोनों साइड को आप कंपेयर करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको बोला जाता है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल होती है बच्चों, इसको आपने ट्रांसफर करना होता है कहां पर? इसको आप ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है जी? क्योंकि हमने जो प्लस माइनस का काम है वो कहां पर कर लिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर लिया, इसको बैलेंस शीट में नहीं किया। तो बच्चों जितना आपको समझ में आया उतना सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस तो कर ही नहीं रहे, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तो देखना क्या मजा आता है। जो मेन लेक्चर है बेटा वो आपका है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम हर चीज को डिस्कस कर देंगे, लगभग आपका बेस बन जाएगा लेक्चर नंबर 4 के बाद इस चैप्टर का, फिर आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसान लगना स्टार्ट होगा। तो आइए मेरे साथ नोट्स लिखिए आप प्यार से। लिखो जी नोट्स, डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, हेडिंग डाल लिया, डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखते हैं जी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको समझा तो दिया लेकिन अब लिखवाना बाकी है, तो आप नोट्स को ध्यान से लिखिए। यहां पर लिखिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड में लिखिए आप बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो बातें हमने डिस्कस की थी अब उनको लिख भी लेते हैं ताकि और अच्छे से याद रहें। तो यहां पर लिखिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्टनर्स। क्या मतलब होता है जी अप्रोप्रिएशन का? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लिखिए, इट इज द डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू। हम रिवेन्यू में से क्या करते हैं? चार्ज की डिडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? टू अ सर्टेन
नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस। इट इज द डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? रिवेन्यू में से चार्ज को माइनस किया जाता है ताकि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में हम जान सके कि बिजनेस ने क्या कमाया या फिर कितने नुकसान में रहा बिजनेस। इट इज मेड इफ देयर इज अ प्रॉफिट। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी तो अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं प्रॉफिट की, लॉस की सिचुएशन में नहीं करते अप्रोप्रिएशन, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको तो पे करना ही करना होता है। तो यहां पर लिखिए इट इज मेड इवन देयर इज अ लॉस। चाहे लॉस भी हो आपको ये काम तो करना ही करना पड़ेगा, चार्ज को तो लेते ही लेते हैं। आगे लिखिए थर्ड डिफरेंस, कंसीडर किए जाएंगे या अप्रोप्रिएशन पहले कंसीडर किए जाएंगे। बेटा पहले चार्ज लेते हैं क्योंकि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अप्रोप्रिएशन तो उसके बाद में होती है अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। तो लिखिए थर्ड डिफरेंस, इट इज डन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस। सारे के सारे चार्जेस को कंसीडर करने के बाद अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो आप अप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट की। It is done before appropriation of profit. Appropriation तो बाद में होती है ना, तो चार्ज को तो पहले कंसिडर किया जाता है appropriation of profit। ठीक है सर, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस भी लिखो बच्चों, बार बार सिस्टम आज हैंग हो रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं लेने दीजिए। जो अप्रोप्रिएशन होती है वो कौन से अकाउंट में डेबिट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनके एग्जांपल लिख लेते हैं, बताओ अप्रोप्रिएशन के एग्जांपल। बेटा मैंने अभी आपको नहीं बताए ना आपके साथ डिस्कस किए, तो अभी बस लिख लीजिए ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर बिजनेस कोई रिजर्व बना रहा है तो उसको अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो भी अप्रोप्रिएशन के अंदर कंसिडर होगी। समझ नहीं आया सर, मैंने समझाया कि अगले लेक्चर में समझ आएगा। कमीशन टू पार्टनर, ये सब चीजें अगले लेक्चर में डिस्कस होंगी। कमीशन टू पार्टनर ये भी अप्रोप्रिएशन का पार्ट ही है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, इसके भी एग्जांपल लिखिए। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं जो पे करने ही करने होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है पे करना ही करना पड़ेगा। रेंट ऑफ ऑफिस पे करना ही करना पड़ेगा। सैलरी, यहां पर है सैलरी टू इंप्लॉइज, भाई इंप्लॉइज की सैलरी तो पे करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस मुनाफे में है चाहे नुकसान में है। और भी कुछ आ सकते हैं खर्चे बताइए, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब पे करने करने पड़ते हैं जी, ठीक है। तो बेटा हमने यहां पर इसके नोट्स भी बना लिए कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में जान लिया, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स लिख लिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब एक बार फिर दोबारा से आप लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और ये काम कब होता है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब बिजनेस के अंदर क्या होगा प्रॉफिट होगा, सिर्फ तभी अप्रोप्रिएशन होती है, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है बेटा खर्चा, और खर्चा मतलब चार्ज, और खर्चे चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो पे करने ही करने पड़ेंगे, तो आप बोल सकते हैं कंपल्सरी पेबल होते हैं। खर्चे कहां पर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अप्रोप्रिएशन कहां पर जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। और खर्चे पे करने ही करने हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अप्रोप्रिएशन ओनली कब करेंगे? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो आज हमने हल्का सा एक हिंट ले लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है,
वो अभी आराम से समझना है हमने अगले लेक्चर में। और उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि इस बार आपको क्लास ट्वेल्थ में जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बार बार लगभग हर क्वेश्चन के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगले लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहने वाला है और अगला लेक्चर ही आपका बेस बनाएगा इस चैप्टर का।